भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले से गज के वाह वाह। भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले से बाबा, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले गज के जो पीछे बैठे हुई इधरों भैन बोलो, केरे जन्म रतन जिनी खटिया, जन्म रतन जिनी खटिया, जन्म रतन जन्म रतन जनी खटिया, जन्म रतन जनी खटिया, जन्म रतन बाबा, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले सेवन जारे, भले बोलो एक बार, भले जन्म रतन जिनी खटिया, भले से बन जा रही। 1947 दे विच पिंड डोडे बापू जोगिंदर सिंह जी ते माता निहाल कौर जी दी कुख नूं भाग लगदे ने, ओ महान सूरवीर, महान योधे श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह का जन्म होता है। घर विच सब तो छोटे ने, बचपन दे विच किसे नाल बहुता बोलते नहीं, बहुती गल नहीं करते, बहुतिया दुनियावी खेडां भी नहीं खेडते, आम बच्चों नालों सुभाव वखरा है। पिंड रोडे विखे महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी हर साल फगन के महीने सिक्खी के प्रचार वास्ते आते ने, दीवान लगते ने। इस बार जदों महापुरख आए, हुण माता निहाल कौर जी बापू जोगिंदर सिंह जी नाल बचपन की उम्र है संत बाबा जरनैल सिंह जी, महापुरखों के कोल लैके जाते ने। सहज सुभाए बाबा गुरबचन सिंह जी वचन करते ने, कहते बापू जोगिंदर सिंह जी एक पुत्र साड़ी झोली च पा दिओ, भाव एक पुत्र सानू दे दिओ। तो अगों बापू जोगिंदर सिंह ने दोवें हाथ जोड़ ले, महापुरखो सारे तुहाडे ने, जिहड़ा मर्जी लै लो तुसीं। ते महापुरखां ने अपनी दृष्टि सारे पुत्रां ते पाई जिन्हें भाई सन बाबा जरनैल सिंह जी, ते छोटे सन बाबा जरनैल सिंह जी। पता कि कहिंदे बापू जोगिंदर सिंह जी ये पुत्र साडी झोली च पा दिओ। कोल माता जी ने, माता निहाल कौर जी महापुरखां दे माता जी हाथ जोड़ ले, कहिंदे महापुरखो ये पुत्र बड़ा ही भोला है, गल सुने होना, महापुरखो ये पुत्र बड़ा भोला है, किसी नाल बहुता बोलता भी नहीं, कई बार भुख भी लगी हुंदी है मुँहों रोटी नहीं मंगता, बस चंगेर वाल इशारा करता है कि मैं रोटी खानी है, कई बार प्यास लगी हुंदी है मुँहों पानी मंगता नहीं, इशारा करता घरे वाल भी पानी पीना है, ये पुत्र तो बड़ा भोला जहा है, तुसीं ये पुत्र नूं मंग लिया।
उस वेले महापुरख संत बाबा गुरबदन सिंह जी आखन लगे, ओ माता जी, ओ बापू जोगिंदर सिंह जी, तुसी कहिंदे पुत्तर भोला है, किसे नाल बहुता बोलदा नहीं, आम बच्चे नाल वखरा है, ओ भलियो भलियो, जिस दिन ये बच्चा बोलेगा, ये बच्चा बोलेगा, लोग खलो खलो के सुनिया करनगे, लोग सुनिया करनगे, जदों ये बच्चा बोलेगा ये नौजवानां दे दिलां दी धड़कन बनेगा, ये बच्चा एदे बोलन ते एदे कहन ते लखां ही लोग लखां नौजवान धर्म दे लई सिर धर दी बाजी लगा देंगे। देख लो उम्र छोटी है, जदों ये बोलेगा एदे कहन ते लखां ही नौजवान सिर धर दी धर्म दे लई बाजी लगा देंगे। गुरमुखो हर साल महापुरख आउंदे ने, 13 साल उम्र है बाबा जरनैल सिंह जी दी, हुण गल सुणियो, 13 साल उम्र है, अज फिर फगन दे महीने महापुरख आए ने बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले, जदों अज सिक्खी दा प्रचार कीता, प्रचार करदिआं करदिआं विच कथा आ गई जी भाई गड़िए दी, भाई गड़िए ने छेवें पातशाह कोलों बड़ियां खुशियां लईआं, बहुत खुशियां लईआं, भाई गड़िए दा रोजाना 21 पाठ जपजी साहिब दा नेम सी, इह कथा आ गई विच। जदों महापुरखां ने बचपन की उम्र है 13 साल की, वड्डे महापुरखां दे कोलों इह कथा सुनी ना जदों कि भाई गड़िया जी रोज 21 पाठ जपजी साहिब दे करदे सन, पातशाह ने बड़ियां खुशियां दित्तियां, अज घर गए जाके अपने बापू जी नूं आखिया, बापू जोगिंदर सिंह नूं, पिता जी नूं, पिता जी अज मैं कथा सुनी है महापुरखां दे कोल, भाई गड़िया जी रोजाना 21 पाठ जपजी साहिब दे करिया करदे सन, अज तो मैं भी अपने मन च प्रण किया कि मैं भी 21 पाठ जपजी साहिब करिया करांगा, ताकि मैनू भी सतगुरु दी खुशियां मिल जाण। 13 साल की उम्र दे विच रोजाना 21 पाठ जपजी साहिब नेम महापुरखां दा बन गया। 16 साल उम्र हुई लगभग, अज मन दे विच पता नहीं की आया, अज गुरमुखो आखन लगे घरदिआं नूं मैनू बहुता बुलाउणा नहीं दसी आउणा, मैं सतगुरु दीआं खुशियां लैणीआं ने, मैं मूल मंत्र दा जाप गुरमंत्र दा जाप करना शुरू करना आउणा, अमृत वेले 2 बजे जागना, पिंड दे गुरद्वारा साहिब चले जाणा। गुरमुखो इतिहास लिखिया, कदी पढ़िओ इतिहास महापुरखां दा, 16-16 घंटे 24 घंटिआं दे विच्चों 16-16 घंटे महापुरखां ने मूल मंत्र जाप दा अभ्यास, वाहिगुरु गुरमंत्र जाप दा अभ्यास करना, एवें शहादतां नहीं दित्तियां जांदियां, इबादतां वाले ही शहादतां दिंदे ने। गुरमुखो 21 बार जपजी साहिब दे उस 16-16 घंटे मूल मंत्र जाप अभ्यास, वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप दा अभ्यास करना, करद्या करद्या गुरमुखो जो दमदमी टसाल दी किताबां च लिखिया कि महापुरखां दा 101 जपजी साहिब दा नेम रोजाना दा बन गया। रोजाना दा बाबा करतार सिंह जी ने गुरमुखो भी बड़ियां खुशियां दित्तियां। तुहानूं पता जदों महापुरखां ने 37 मार्च कड्ढे सिक्खी प्रचार वास्ते, संत बाबा करतार सिंह जी ने एक समय बाबा जरनैल सिंह कोल बुलाया, आख्या वो भाई जरनैल सिंह जी फलाने फलाने पिंड चले जाओ, उतों सिंह नूं लै के ना ये फलाने फलाने बंदे नूं इह सुनेहा देना है, तुसीं इह 20 रुपए लै जाओ साडे कोल, देखो निम्रता किन्नी। संत बाबा करतार सिंह ने बाबा जरनैल सिंह नूं गुरमुखो 20 रुपए दित्ते, अजे सेवा च हाजिर ने, 1 मिंट नहीं गुरमुखो गए चले गए, उस वेले जिहड़े कपड़े पाए सन पैर च टुट्टी जुत्ती पाई गुरमुख उदां चले गए। जदों ओह सिंह दे घर गए उहने जल पाणी छकाया, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾ
तेरा जोड़ा ना सरसों पार में ला दता ई। आप नंगे पैरी गुरमुखो महापुरखों के कोल आए, वो भी रुपया जो जरा बाकी बचे ना, जो किराया लगना किराया लग गया, जो बाकी बकाया बचे वो लिया के महापुरख की तली से रख दिता। मोह है ही नहीं गुरमुखो माया दे नाल, कोई नजायज करता है ही नहीं। एक रुपया भी अपने लिए परसनल कभी नहीं वरत्या महापुरखों ने, एवं एडी एडी वड्डी शहादत नहीं दिती। दास माफती वाला वे जी बड़ा प्यारा जीवन गुरमुखो, जदों घल्लू घाड़े तो पहला पत्रकार मिले गुरमुखो जनरल सुबेग सिंह नूं, जो मिले आखन लगे सुबेग सिंह जी जिथों ट्रेनिंग तुसीं लई आ उत्थों ही ट्रेनिंग हिंदुस्तान दीआं फौजां ने लई होई है, तुसीं मुट्ठी भाड़ो, उधर टैंक भी ने, असला भी बहुत उन्हां दे कोल, सिपाही भी ज्यादा ने उन्हां दे कोल, बंदे भी ज्यादा ने, उन्हां नाल मुकाबला किवें करोगे। अगों जनरल सुबेग सिंह दा बचन सुने गुरमुखो, पत्र करन पता की आख्या, कहिंदे बेशक जिथों ट्रेनिंग मैं लई उत्थों ट्रेनिंग उन्हां लई होई है, उन्हां कोल टैंक भी ने हथियार भी ने, उन्हां कोल फौजां भी ज्यादा ने, पर जो मेरे कोल है वो उन्हां दे कोल नहीं हैगा। पत्रकार कहिंदे समझे नहीं, जनरल साहब समझे नहीं, तुहाडे कोल की है जो उन्हां दे कोल नहीं है। कहिंदे मेरे कोल कलगीधर प्रीतम की बख्शिश, मेरे बाजा वाले प्रीतम की बख्शिश के रूप के विच, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश के रूप से, संत बाबा जरनैल सिंह जी ने बख्शिश के रूप के विच, मेरे कोल संत बाबा जरनैल सिंह जी ने, वो मेरे नाल ने, मैनू किसी की परवाह नहीं। जो मेरे कोल है वो उन्होंने कोल नहीं, मेरे कोल कलगीधर प्रीतम की बख्शिश है। देखो किड्डा भरोसा, सारी जिंदगी संत बाबा जरनैल सिंह जी ने गुरमुखो सिद्धांत नाल समझौता नहीं किया। किड्डिया किड्डिया वड्डियां ऑफरां उस समय की सरकार वालों आईया, सब ठुकरा दित्तियां, सिद्धांत नाल समझौता नहीं किया गुरमुखो। जनरल सुबेग सिंह जी 5 जून नूं गुरमुखो जदों शहीदी प्राप्त की, अखीले सवास संत बाबा जरनैल सिंह की झोली में निकले, गुरमुखो गोद में निकले। देखो किड्डा प्यार, जिस दिन संत महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी शहीद होना है 6 जून नूं, अज भी कन्नां दे विच ओ बाबा करतार सिंह वल्लों गाई हुई धारना गूंजदी पई है। किहड़ी धारना, आओ पढ़ो फिर समाप्ति करिए। सिर जावे तां जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे तां जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे जज के वाह वाह। सिर जावे ता जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता सिखी सिदक ना जावे, साडा सिखी सिदक ना जावे, सिखी सिर जावे ता जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे जूझद्या जूझद्या महापुरख। जिथे अकाल तख्त साहब के अगले बने दो निशान साहब, उत्थे फिर शहीदी का जाम पीता महापुरखा ने 6 जून जो दिहाड़े गुरमुखो आ रहे ने। एक गल याद रखियो, जिहड़े गुरमुखो जीवदियां जी विक जांदे ने उन्हां नूं मरण तों बाद कोई नहीं पुछदा। भागां वालिओ
जेडे गुरमुखों सिद्धांत नाल समझौता नहीं करते। बाबा जरनैल सिंह शहीद दे जाम पी गए, जेडे शहीद दे जाम पी जाते ने मरण तो बाद शहीद होने तो बाद उन्होंने कपड़े भी वेखते ने, उन्होंने स्टिकर भी वेखते ने, उन्होंने स्टिकर गड्डिया से भी लगते ने, उन्होंने गुरमुखों बोल लोगों के हिरदे च बस जाते ने। जो जिंदिया जी विक जाते हैं कोई पुछता नहीं उन्होंने, जिहड़े शहादत दा जाम पी जाते हैं उन्होंने कपड़े भी विकते हैं, उन्होंने तस्वीर भी विकदियां ने फिर।